कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की स्वागत लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। बोलेगा गोपाल फाड़, आएगा गोपाल फाड़, देखिए गोपाल फाड़, ये है गोपाल फाड़। गोपाल और नेपाल दोनों उपस्थित हैं मुर्शिदाबाद राज दरबार में। आप दोनों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप जानते होंगे आप लोगों को क्यों बुलाए। हाँ सुल्तान बहादुर, जानते हैं मैं न ये नेपाल बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, यही आप परखना चाहते हैं ना। आप दोनों प्रस्तुत हैं? हाँ सुल्तान बहादुर। अच्छा तो ठीक है, इस बार मैं आप दोनों को तीन मनुष्य लाने को कहूँगा, जिसमें से एक नदी के इस पार रहेगा और एक नदी के उस पार, और तीसरा आदमी नदी के बीच रहेगा, और समय देंगे एक दिन। जो यह काम अच्छी तरह कर लेगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। जाइए अब आप लोग काम में लग जाइए। हाँ दया कर हमें छोड़ दीजिए, हमें दया कर छोड़ दीजिए। अरे मैं बोल रहा हूँ, क्यों डर रहे हो? डरो मत, सुल्तान बहादुर तुम लोगों से मिलना चाहते हैं, मिलकर चले आओगे बस। ये हम लोगों की हत्या तो नहीं करेंगे ना। तो फिर सुनो, कल तुम ठीक 10 बजे राजमहल के मुख्य द्वार पर चले आना, और मैं आकर खुद तुम्हें ले जाऊंगा राजमहल के अंदर। अच्छा। माँ आओगी ना? माँ कहकर बुलाए हो तो माँ अपने बेटे के तकलीफ में कैसे नहीं जाएगी। जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन पुत्र मैं एकांत में साधना कर रहा हूँ, फिर मेरी जरूरत क्या है? डरिए मत सन्यासी जी, आप वहाँ बस कुछ क्षण के लिए जाइएगा। हाँ, इसके बाद वापस आप अपने स्थान पर चले आइएगा। आप जरूर आइएगा। ठीक है, अवश्य जाऊंगा। तुम चिंता मत करो गोपाल, मैं जरूर जाऊंगा। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रणाम सुल्तान बहादुर। यह देखिए, आपके कथनानुसार मैं तीन व्यक्तियों को हाजिर किया हूँ। यह व्यक्ति किसान है, नदी के इस पार था। यह व्यक्ति कुम्हार है, जो नदी के उस पार मिट्टी उठा रहा था। अगर विश्वास ना हो तो इन लोगों से पूछ लीजिए। और गोपाल? नवाब बहादुर, मैं पहले आपको यह बता दूं कि आप यहाँ नदी का कोई नाम स्पष्ट नहीं किए थे, इसलिए मैं तीन मनुष्य को लेकर आया हूँ, जिसमें से एक पुजारी है और ये ब्राह्मण है, और ये हमेशा यही सोचते हैं कि इनके भक्त हमेशा बढ़ते रहें और दक्षिणा में फल चावल पैसे हमेशा मिलते रहें, और इसी कर्म में हमेशा व्यस्त रहते हैं। हाँ, इसलिए ये नदी के इस पार है और ये सन्यासी हैं। कर्म क्रोध मोह माया त्याग कर घने जंगलों में बैठ के जीव जंतुओं के बीच में गहरे ध्यान से ईश्वर की साधना करते हैं। ईश्वर के ध्यान में भूख प्यास भी मिट जाती है, इसलिए कहा जाता है ये नदी के उस पार के हैं। और ये एक माँ है, हमेशा अपने बच्चे की सेवा करती, इसको अपनी भी फिक्र नहीं है और ना फिक्र है ईश्वर की।
इसलिए इनको कहा जा सकता है ये बीच नदी के मनुष्य हैं। क्या समझे महाराज? सचमुच गोपाल, तुम बुद्धिमान ही नहीं बल्कि महान विद्वान हो। और यह लो अपना पुरस्कार। आज तुमने नदिया राज्य का मान बचा लिया, यह लो पुरस्कार। आपका यह पुरस्कार से मैं धन्य हो गया महाराज।